ओम शांति नमस्कार दोस्तों क्रोध आज हमारे जीवन का अंग बन चुका है ये एक प्रकार का विकार है जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे नस नस में बस चुका है कोई भी बात हमारे अनुरूप ना हो तो हमें क्रोध स्वतः ही आता है किंतु ये क्रोध ऐसा विकार है ऐसा रोग है जो हमारे जीवन को बहुत ही दुखी बनाता है हमारी मान शान प्रतिष्ठा वो भी इस क्रोध के कारण चली जाती है क्रोधी जीवन कैसा होता है कितना घातक होता है उसके क्या नुकसान हैं क्या क्या हानियां हैं यही बात आज की कविता में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं आइए सुनते हैं कविता का शीर्षक है छोड़ो क्रोध की गुलामी आओ हम करना छोड़ दें क्रोध की गुलामी आओ हम करना छोड़ दें क्रोध की गुलामी अपनी जिंदगी की ये है सबसे बड़ी खामी अपनी जिंदगी की यह है सबसे बड़ी खामी जल जाता है खून क्रोध से क्या होता है जल जाता है खून हो जाता बड़ा नुकसान क्रोध करने वाला व्यक्ति बन जाता शैतान क्रोध करने वाला व्यक्ति बन जाता शैतान इसी क्रोध की वजह से खुशी गुम हो जाती इसी क्रोध की वजह से खुशी गुम हो जाती नीरसता आती है और मुस्कान चली जाती क्या क्रोधी व्यक्ति को हमने मुस्काते हुए देखा है कभी नहीं यही बात इन पंक्तियों में है इसी क्रोध की वजह से खुशी गुम हो जाती नीरसता आती है और मुस्कान चली जाती क्रोध करके होता है स्वयं का ही नुकसान क्रोध करके होता है स्वयं का ही नुकसान हर कर्मेंद्रिय बन जाती है कड़वे जहर समान क्रोधी व्यक्ति का चेहरा देखें उसकी आंखें इतनी जिस पर जैसा लगता है कि अंगारे उगल रही हैं उसके बोल इतने कर्कश और दुखदाई होते हैं तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि उसकी कर्मेंद्रियां जहर समान बन चुकी हैं यही बात इन पंक्तियों में है क्रोध करके होता है स्वयं का ही नुकसान हर कर्मेंद्री बन जाती है करवे जैर समान क्रोधी की आंखें उगलती नफरत के अंगारे क्रोधी की आंखें उगलती नफरत के अंगारे जल जाते हैं कोमल भाव जल जाते हैं कोमल भाव क्रोध से मन के सारे जल जाते हैं कोमल भाव क्रोध से मन के सारे क्रोधी का हर शब्द क्रोधी का हर शब्द दिल को घायल करता क्रोधी का हर शब्द दिल को घायल करता क्रोधी वक्त से पहले क्रोध करने का क्या नुकसान है ये इस पंक्ति में दिया गया है क्रोधी का हर शब्द दिल को घायल करता क्रोधी का हर शब्द दिल को घायल करता क्रोध का जीवन में क्या नुकसान है आगे की पंक्ति में देखिए क्रोधी का हर शब्द दिल को घायल करता क्रोधी वक्त से पहले दिल के दौरे से मरता क्रोधी वक्त से पहले दिल के दौरे से मरता इतना बड़ा नुकसान एक क्रोधी व्यक्ति को हो सकता है कि उसके प्राण चले जाएं तो देखिए क्रोध हमारे जीवन में कितना घातक है कान क्रोधी के कान क्रोधी के नहीं सुन सकते अच्छी बात कान क्रोधी के नहीं सुन सकते कोई अच्छी बात कान क्रोधी के नहीं सुन सकते कोई अच्छी बात क्रोधी मन रचता रहता षड्यंत्र की विषात क्रोधी मन रचता रहता षड्यंत्र की बिसात भयभीत होकर क्रोधी सबको डराता जाता भयभीत होकर क्रोधी सबको डराता रहता हाथ उठाकर ही वो खुद को बचाता रहता क्रोधी भले ही क्रोध के द्वारा दूसरे व्यक्तियों पर अत्याचार करता है लेकिन कहीं न कहीं उसके अंतर मन में कोई न कोई भय व्याप्त है इसीलिए वो औरों को भी डराता है औरों को भी इसीलिए वो औरों को डराता रहता है जबकि अंतरमन में देखें तो वो खुद भी डरा हुआ है क्रोध से सर्व ग्रंथियां जहर उत्सर्जित करती हमारे शरीर की जो ग्रंथियां हैं वो भी क्रोध के कारण जहर उत्सर्जित करती हैं क्रोध से सर्व ग्रंथियां जहर उत्सर्जित करती कमजोरी बढ़ाकर तन मन को बीमार करती कमजोरी बढ़ाकर तन मन को बीमार करती भले ही जल्दी हो जाए क्रोधी का हर काम भले ही जल्दी हो जाए क्रोधी का हर काम लेकिन क्रोध करता हमें समाज में बदनाम लेकिन क्रोध करता हमें समाज में बदनाम क्रोधी सदा ही करता रहता सबका अपमान क्रोधी सदा ही करता रहता सबका अपमान क्रोधी को कभी न मिलता समाज में सम्मान क्रोधी को कभी न मिलता समाज में सम्मान दोस्त नहीं उसका कोई दोस्त नहीं उसका कोई जो करता हो क्रोध दोस्त नहीं उसका कोई जो करता हो क्रोध जहां भी जाओ होता है क्रोधी का विरोध जहां भी जाओ होता है क्रोधी का विरोध क्रोध से मन में प्यार की खेती जाती उजड़ क्रोध से मन में प्यार की खेती जाती उजड़ क्रोधी के अपनों से ही संबंध जाते हैं बिगड़ क्रोधी से अपनों के ही संबंध जाते हैं बिगड़ क्रोध हमसे करवाता निरर्थक व्यर्थ विवाद एक क्रोधी व्यक्ति को देखें वो वाद विवाद करता रहता है तो क्रोध हमसे करवाता निरर्थक व्यर्थ विवाद क्रोध के कारण फैलता जग में आतंकवाद आतंकवाद की समस्या जिसका आधार क्रोध ही है यही बात इन पंक्तियों के द्वारा कही गई, गई है कि क्रोध हमसे करवाता निरर्थक व्यर्थ विवाद क्रोध के कारण ही फैलता जग में आतंकवाद क्रोध क्रोध के के कारण कारण हम प्यार करना भूल जाते क्रोध के कारण हम प्यार करना भूल जाते नफरत करके हम अकेलेपन की धूल खाते एक क्रोधी व्यक्ति धीरे धीरे अपने मित्रों को खो देता है और अकेलापन उसका साथी बन जाता है तो ऐसा जीवन नीरस जीवन बन जाता है उसका आधार केवल क्रोध ही है क्रोध एक ऐसा अवगुण है जो हमारे जीवन को नरक समान बना देता है हमें बीमार करता है हमें बदनाम करता है हमें अपमानित करता है यही क्रोध इतना घातक है जिसे हमें त्यागना बहुत आवश्यक है तो यही बात इन पंक्तियों में कही गई है कि क्रोध के कारण हम प्यार करना भूल जाते नफरत करके हम अकेलेपन की धूल खाते अब तक हमने कविता में देखा कि क्रोध के क्या क्या नुकसान हैं क्या क्या हानियां हैं अब हम जब इतनी कविता सुनने के बाद ये जान चुके हैं कि क्रोध हमारा इतना बड़ा दुश्मन है शत्रु है जिसे हमें त्यागना ही है क्रोध का कोई लाभ नहीं त्यागो इसे तुरंत क्रोध का कोई लाभ नहीं त्यागो इसे तुरंत सौगंध लो सौगंध लो क्रोध नहीं करेंगे जीवन पर्यंत सौगंध लो क्रोध नहीं करेंगे जीवन पर्यंत रस्म यही है जीवन की जीवन के रस्म जीवन की मर्यादाएं क्या हैं? रस्म यही है जीवन की करें सबका सत्कार रस्म यही है जीवन की करें सबका सत्कार नफरत से क्या मिलेगा बांटो सबको प्यार नफरत से क्या मिलेगा बांटो सबको प्यार वृक्ष समान देना सबको एक पेड़ एक वृक्ष छाया देता है फल देता है ठंडक देता है एक यात्री एक घने पेड़ के नीचे ही विश्राम करता है तो हमें भी अपना जीवन एक ऐसे पेड़ के समान एक वृक्ष के समान बनाना है यही बात इन पंक्तियों में वृक्ष समान देना है सबको प्यार की ठंडी छाव वृक्ष समान देना है सबको प्यार की ठंडी छाव फैल जाए प्यार दुनिया में फैल जाए प्यार दुनिया में शहर हो या गांव फैल जाए प्यार दुनिया में शहर हो या गांव प्यार करना हम सबको प्यार करना हम सबको सिखाता है भगवान प्यार करना हम सबको सिखाता है भगवान प्यार करके ही बन पाओगे तुम सच्चे इंसान प्यार करके ही बन पाओगे तुम सच्चे इंसान प्यार सबको बांटकर करना सबका सम्मान प्यार सबको बांटकर करना सबका सम्मान प्यार से ही बनेगी सारी दुनिया स्वर्ग समान प्यार से ही बनेगी सारी दुनिया स्वर्ग समान तो दोस्तों आज हमने देखा कि क्रोध हमारे जीवन के लिए कितना घातक है कितना नुकसानदायक है और इस दुनिया को यदि हमें स्वर्ग बनाना है सुंदर बनाना है सुखमय बनाना है तो हमें एक दूसरे से प्यार करना है एक दूसरे का सत्कार करना है इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति नमस्कार